कारगिल नामा लद्दाख की हालात हाजिरा की सच्ची तर्जुमानी। जैसा कि आप जानते हैं आज हर जगह ईवीएम की और हमारे पोस्टल बैलेट से काउंटिंग थी, तो वन लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी आज हमने काउंटिंग की है। हमारे यहाँ पे दो जगह काउंटिंग हुई थी, एक करगिल में सेपरेट ईवीएम की काउंटिंग थी एक्सक्लूसिव, और ले के ईवीएम्स की, और साथ में जो पोस्टल बैलेट थे टोटल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास में काउंट हुए। तो हमारा रिजल्ट जो है फाइनल हो चुका है। मैं पहले ईवीएम के रिजल्ट को पढ़ के सुनाऊंगा आपको। ईवीएम के रिजल्ट में हमारे 26 राउंड हुए थे करगिल में, क्योंकि ज़्यादा थे, यहाँ पे 22 राउंड थे। टोटल वोट्स हम कैंडिडेट वाइज बताएंगे आपको। ताशी ग्यालसन जी, उनको 31,505 इतने वोट पड़े हैं। सिरिंग नामग्याल, उनको 35,770। मोहम्मद हनीफा, उनको 64,443। और नोटा, जो हमारा नन ऑफ द अबव ऑप्शन होता है, उसमें 896 वोट पड़े हैं। और साथ ही में जो हमारा पोस्टल बैलेट्स थे, हमारे दोनों कैटेगरी के कैप्सेंटी वोटर्स का होता है, सर्विस वोटर्स का होता है, ETPVS वाला, उसमें ताशी ग्यालसन जी को 451 वोट्स पड़े हैं टोटल। सिरिंग नामग्याल जी को 1627, मोहम्मद हनीफा जी को 816, और उसमें नोटा वोट थे हमारे 16, बाकी हमारे रिजेक्टेड थे अलग अलग रीज़न की वजह से। तो दोनों को हम काउंट करके, दोनों को ऐड करके, एज अ रिटर्निंग ऑफिसर मैं मोहम्मद हनीफा जान जी को, जो करगिल से हमारे कैंडिडेट है वन लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उनको मैं विनर घोषित करता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं बारगाह इलाही में अपना शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद पूरे लद्दाख की आवाम को सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत ही पीसफुली इलेक्शन पसंद हुआ, उसके बाद मैं पूरे लद्दाख के उन लोगों का जिन्होंने चाहे करगिल से हो चाहे लेह से हो मेरे हाथ में अपना कीमती वोट खास करके मुझे कामयाब किया, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे करगिल बल्कि पूरे लद्दाख इतिहाद हो कि मुझे ऐसे लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम पे मुझे मैदान में उतारा था, और पूरे इतिहाद के तौर पर मुझे ऐसे केंद्रीय मुझे उतारा था। तो उसी वक्त हम सबको ये उम्मीद था कि लोग जो है खुले दिल से हमारे सपोर्ट करेंगे, और आज ये जो रिजल्ट आया है हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर जो है हमें ये रिजल्ट आया है हमारे नाम में, उसके लिए मैं पूरे आवाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। देखिए मैंने दो चीज़ का मैंने किया, लद्दाख के आवाम से मैंने वादा किया है, चाहे मैं लेह पहुँचे, इस बार करगिल का केडर पहली बार संस्कार जैसे इलाकों में हमने कैंपेनिंग के लिए हम पहुँचे, चाहे संस्कार हो चाहे करगिल के इलाके में जहाँ भी हम पहुँचे, दो चीज़ का मैंने अपनी तैयारी की है। एक तो ले लद्दाख के आवाम जिसमें किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उन सबको साथ लेके सब उसके मशवरे से इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे, और दूसरा लद्दाख के आवाम के आवाज़ के साथ साथ अपेक्स और केडीए की जो आवाज़ है उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला के उनका आवाज़ मान के जो हमारे फोरफ्रंट एजेंडा जिसको लेके मैंने पूरा इलेक्शन जो है मेरा मैनिफेस्टो ये चार फ्रंट एजेंडा था, उस चार फ्रंट एजेंडे के लिए इंशाल्लाह चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे बाहर हो जहाँ भी मुझे प्लेटफॉर्म मिले मौका मिले हमने आवाज़ उठानी है। और दूसरा इस चीज़ पे हम सबको पता है पिछले 4-5 सालों से पूरे लद्दाख के आवाम जो है एक्ट्रेस के लिए कि बेहतर करिए हम एहतजाज पे हैं, लेकिन साथ में इन 3-4 सालों में हमने हमारा जो परंपरा रहा है लद्दाख का हमने अमन अमन को हमने बरकरार रखते हुए अमन के साथ हमने अपना जो है इतना धारण किया है। तो कोशिश हमारी यही होगी कि हमने अमन के साथ बातचीत के जरिए इस मसले पर जो है हम आगे काम करें जितना हो सके, अगर बातचीत जिसका भी गवर्नमेंट आया है
सेंटर में, उनके साथ एक चार घंटे जगह बोला कि हमने बातचीत कर दी है, अगर बातचीत की तरह अगर बात नहीं होगी तो हम भी उनके ऊपर हम सोचेंगे, लेकिन हमारा मेन पहला यही है कि जो भी मसले हो बातचीत की तरह 3000 वोट जो है पड़ा है, ये रिप्रेजेंट मेरे मैंने कैंपेनिंग में थी ताकि मैं हमने बोला था इस बार जो है ये रेफरेंडम के तौर पर होगा, जो उसकी बात जो हालात बता उसके ऊपर जो है आवाम को ये रेफरेंडम में और वाकई में मेरा और कांग्रेस का वोट मिला के आगे देखें देखा जाए तो लद्दाख के 80% जो आवाम जो है वो उन्होंने अपना डिसीजन किया है।